नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार पुलिस मुख्यालय से एक लेटर जारी किया गया, एडीजी ने एक लेटर जारी किया, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। दरअसल जो भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, अगर उसमें अब कोई भी शामिल होंगे और शामिल होने के दौरान अब वो कुछ भी ऐसा करते हैं जिसके बाद केस उनके खिलाफ दर्ज हो जाता है, तो अब वो न तो नौकरी करने के लायक रहेंगे और न ही उन्हें कोई ठेका मिल पाएगा। तो इन सब को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता इसको लेकर सरकार को घिरने में लगे हैं। हम बात कर रहे हैं राजद नेता की। राजद के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने इसको लेकर सरकार को घेरा है, क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे उनको नौकरी में जगह नहीं मिलेगी। यह निर्णय तुगलकी फरमान है नीतीश जी, लोकतंत्र को का गला घोटने वाला है। कोई अपनी बातों को रखने का जो सशक्त माध्यम है लोकतंत्र, वो धरना प्रदर्शन है। यह प्रमाण इस बात का प्रमाण है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में टूट चुका है। और कहें न कहें आपको चिढ़ हो गया है लोकतंत्र से। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता, कोई बात रखेगा, धरना करेगा, प्रसन्न करेगा, आप उनकी जिंदगी ही बर्बाद कर देंगे। ऐसे निर्णय के खिलाफ न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ेगा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, वरना दूसरी सरकार होती तो है तो वह मच गई होती। तो आपने सुना किस तरीके से शक्ति सिंह यादव ने सीधे तौर पर सरकार को घेरा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि सरकार अब डर गई है, अब वो विरोध करने वालों को भी शिकंजा कसने में लगी हुई है, क्योंकि जो लोग अब विरोध करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई ही नहीं बल्कि अब वह नौकरी करने के लायक भी नहीं बचेंगे, कोई सरकारी ठेका भी नहीं मिल पाएगा। तो अब इन सब को लेकर जो है विपक्ष के नेता लगातार सरकार को घेरने में लगे हैं। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया था, उन्होंने मुसोलिनी और हिटलर से तुलना कर दी थी नीतीश कुमार की। और अब जब शक्ति सिंह यादव ने कहा है तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है। जेडीयू की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आई है। नीरज कुमार ने इसको लेकर लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से कैदी नंबर 3351 बताकर तेजस्वी यादव पर सवाल किया है। तो देखने वाली बात होगी इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है, कितना बदलाव आता है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन तो होते ही रहते हैं। और अब जब यह फैसला या एक लेटर जारी किया गया है, आदेश दिया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, तो इन विरोध प्रदर्शनों में कितना बदलाव देखा जाता है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।